हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ज्योति और स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्योतिष क्रिएशन में। तो आज नेक्स्ट डे है, जैसे कि कल हम लोग आ गए थे और कल ही परसों आ गए थे हम लोग, और मैं कल कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ऐसे ही हो जाता ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा सेटल कर रही थी खुद को। तो बस सामान वामान इधर उधर ही फैला है अभी कुछ भी इधर उधर नहीं, सही जगह नहीं रखा है, थोड़ा बहुत ही रख पाई मैं। तो अभी पूरा का पूरा रूम फैला पड़ा है और अभी दिखाने की कंडीशन में तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देती हूँ। तो ये रहा मेरा बेड, सॉरी, तो ये रहा इस टाइप से मेरा बेड, वहाँ मिरर है और इस तरफ अलमीरा है। तो यही सब है और बाकी इस तरफ आपको पूरा बैग वैग मिलेंगे कि अभी मैंने खोले नहीं है क्योंकि मुझे रखने की जगह नहीं मिली। तो मैंने सोचा बच्चों के कपड़े बैग में ही रख देती हूँ। मेरे जो कपड़े थे, जो वैसे थे, जो सूटकेस था, वो मैंने खाली कर दिया, वो अलमीरा में चला गया। और बस अब वो बैग है मेरे क्राफ्ट का, वहाँ सिर्फ क्राफ्ट की चीज़ें रहती हैं। तो बस, तो मैं सोच रही हूँ कुछ चेंज करूँ इस रूम को, तो देखते हैं अभी करूँगी फ्यूचर में। अभी थोड़ा कुछ रुक के देखती हूँ क्या कर पाऊँगी। तो चलो पहले लंच बना लेते हैं। We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be. हाय गाइस, तो यहाँ पर हो रहा है किचन में काम, यानी कि दाल बना रही हूँ, लोबिया की दाल बना रही हूँ जो कि आरव की बहुत फेवरेट है। तो लोबिया की दाल और चावल और रायता और रोटी, यही सब बनेगा। तो वो सब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फटाफट से और फिर उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। तो बस गाइस, तो खाना बन गया है और दाल लोबिया की दाल बनी है, चावल मैंने उधर चढ़ा दी है। मम्मा पानी चाहिए। यू वांट टू ड्रिंक? ओके और बिहू महाराज जी ऐसे हैं और बात बात में नाराज हो रहे हैं। अच्छा चलो ना, बहुत दिन हो गए ना, आपने ना हाय फ्रेंड नहीं बोला, बोल दे रहा हाय बेंज आ गया। अरे वहां देख के तो बोलो हाय बेंज आ गया। अरे हाय देखो, चलो तो यहाँ मैंने रायता ढका के रख दिया है और दाल चावल बन गया। और ज्यादा कुछ हम बना नहीं रहे हैं ना, दाल भुट्टू खाना है ना। हाँ। कैसे खाओगी? ऐसे कैसे 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 दिखाओ कैसे खाने दादी खाए भैया को खिला रहा है व्यू तो सारा खा लिया भैया ने। वाह भैया तो गुड है, गुड बॉय है भैया। अरे आप थोड़ा ऊपर को करो भैया, बड़ा है ना। अभी बिहू भी तो खाएगा थोड़ा सा। वेरी नाइस, वाओ यू तो कितना समझदार है, गुड बॉय है ना बिहू। क्या हुआ? और यहाँ देखो दोनों भाइयों में इतना प्यार, बाप रे, कह रहे मम्मी आपको नहीं खिलाना भैया को खिलाना है। तो भैया को खिला रहा है और भैया यूजुअल खा रहा है अपने भाई के हाथ से। तो बस इसी तरीके से दोनों भाई लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो कितना प्यार है, भगवान करे हमेशा ऐसे ही प्यार बने रहे हर भाई बहन में। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे फीलिंग्स, ऐसी चीज़ें देखकर। तो हाय डियर, तो यहाँ हम लोग लंच कर रहे हैं बैठ के, और हम लोग हमेशा ज़मीन में बैठ के ही मतलब खाना खाते हैं, दिन का हो चाहे रात का हो, हर टाइम मॉर्निंग में भी हर टाइम हम ज़मीन में बैठ के ही खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठिए ग्रुप में ना, तो गप्पे भी लग जाती है और खाना भी खा लिया जाता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग खाना खाते हैं।
land to see the truth around you. From a distance you can tell. किससे बात कर रहे हो? हाय गाइस, तो बस घर का काम हो गया है, झाड़ू मतलब पोछा वगैरह होता है ना खाना दिन का। वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा अच्छे से हो गया था, बट क्या होता है दिन में खाना खाने के बाद हम लोग बेसिकली नीचे बैठ के ही खाते हैं, जमीन में तो गंदा हो ही जाता है, बच्चे घर में छोटे छोटे, तो इस वजह से। और तब झाड़ू पोछा अभी जस्ट हुआ है और अभी मैं आई हूँ किचन, मतलब किचन में, पर किचन में ही आती हूँ, तो जस्ट अभी मैं आई हूँ कमरे में, ये नीचे वाले रूम में, क्योंकि ऊपर अपने वाले रूम में मैं सो नहीं पा रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत गंदी वाली गर्मी है वहाँ। तो यहाँ एक रूम खाली है, तो यहाँ हम लोग यहीं सो रहे हैं। और बस विहू अपनी दादी के कमरे में, तो मैं जाती हूँ उसको सुला देती हूँ। Hi guys, once again welcome back। तो अभी शाम हो रही है और चाय वाय हम लोगों ने पी ली और मम्मी और भाई गए हैं, तो पानी भर लेती हूँ, ऊपर छत में जा रहे ना, तो बहुत गर्मी होती है वहाँ पे यार, बहुत गर्मी। अब पानी ना बार बार ऊपर नीचे कौन करेगा, तो इसलिए पहले ही बॉटल रेडी कर ली। तो चलो चलते हैं ऊपर और बाद में आएंगे खाना बनाने। Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors. Forever free. Hi guys. पसीना हो गया। हाय गाइस, तो मैं सुबह से कपड़े डालना भूल गई थी, अब वॉशिंग मशीन में ही थे, तो अब जाके टाइम लगा। तो विहू और उसके पापा हैं ऊपर, और देखो मैं दिखाती हूँ, चल मैं दिखाती हूँ। दादाजी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, सब, हाँ जी सब की बढ़िया। और दादी की ठीक है? ठीक गाइस, तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर और वहाँ इस टाइप से पौधे लगा रखे हैं मम्मी ने। यहाँ पे भी है लेमन ग्रास, लेमन ग्रास ही। और इस तरफ से है ये, बड़े बड़े हो गए ये प्लांट, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये हर सीजन में बहुत अच्छा रहता है ना, ग्रो अच्छा करता है। और ये हमारा एक अमरूद का पेड़, और यहाँ जस्ट मैंने अभी कपड़े डाले हैं, चलो फिर ऊपर चले। अब इसे भी पता चल गया ना ये तोड़ना। फूल क्यों तोड़ रहे हो? वो टूट गए। क्यों? मामा जाना, इधर आ मामा। 20 दिसंबर से। जीरो को मामा। 20 करोड़ का हजार रुपए फटाफट पूरी चढ़ जाएगा। पहले वाला ही ठीक था। हाँ वही तो मैं कह रही। अच्छा फेंक ना, मैं देख रही हूँ, रिकॉर्डिंग करूंगी आपकी। कितना सुंदर था ना, वाह वाह, देखो गुलाब का फूल लगा है। तो यहाँ इस टाइप से गमले रखे हुए हैं, इतना बड़ा कैक्टस का।
बहुत बड़ा है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From a विहू बार बार उस ग्रिल पे चढ़ जा रहा है, वहाँ जो दिख रही है ना, और वहाँ पापा और ये मिलके वहाँ गमले लगा रहे ताकि ये उधर ना जा सके। बताओ कितनी भयंकर, ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। ये देखो मम्मी को ले जाओ। डॉक्टर को बोल रहे हो? डॉक्टर फिर बोलेगा कि ठीक है, जो आरू की मम्मी को, विहू की मम्मी को ले जाओ, विहू की मम्मी को बंद कर दो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? विहू कैसे रहेगा? वी को मम्मी की याद नहीं आएगी? बोल। हाँ। पहले मम्मी की याद आएगी वी को? मैं चली जाऊँ बुड्ढा के पास? ना। मैं जा रही फिर। मैंने कुछ ले रखा मम्मी, मेरा मगोड़े। आजा बारिश, आजा वीहू को भिगा दे। आ बारिश, आजा जल्दी आ, वीहू को भिगा दो। क्या हुआ ये? मम्मा ने गिरा दिया। उठो उठो, गेट अप गेट अप, वेरी गुड। अरे वाह, शाबाश। ये क्या कर रहे हो? ओ देखो देखो क्या आ रहा, क्रो आ गया। तो बस इसीलिए हम थोड़ा सा शाम को बाहर में टहलने आते हैं। और आज मेरे ना बुरे हाल हो रखे हैं, आज मेरे भयंकर पैरों में दर्द हो रखा है, तो आज से मैं वॉक करने जा रही हूँ मम्मी के साथ। और आपको तो पता है मम्मी तो बहुत टाइम से कंटिन्यूस वॉक करने जाते हैं, तो उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आज पहली बार गई तो मेरे बैंड बजी है। हाँ बस सुबह से भाग रही हूँ मैं, तो इसलिए बैंड बची हुई है मेरी, और पैर दर्द हो रहे यार। कल पता नहीं कैसे जाऊँगी मैं। सुबह एक्सरसाइज भी कर दी, उसके बाद आने के बाद जोश जोश में गरम गरम हो रखा था, क्योंकि इतना वॉक करके आए हम लोग, कम से कम 5-6 किलोमीटर करीब हम वॉक करके आए। और उसके बाद होता ही है, इतने टाइम तक कंटिन्यूस वॉक नहीं करते हम, वैसा से इतना वॉक कर लिया और ऊपर से घर आके क्रंचेज वगैरह कर दिया और ये वो सो, तो अब ना बड़ा दर्द हो रहा है पैरों में। तो अब कल पता नहीं क्या होने वाला है, लेट्स सी कल जब कंटिन्यूस वॉक कर पाऊँगी कि नहीं। जाऊँगी यार, जाऊंगी वॉक करने। भाई बिहू आप पानी पी रहे हो? ओके, तो थोड़ा सा टहल लेते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर के अंदर तो बहुत गर्म हो रहा है। और अभी पता है कैसे लग रहा है, धूल धूल सा और रखा चारों तरफ से, तूफान आ रहा होगा या क्या है पता नहीं, बट जस्ट सी देखो, देख रहे हो आप आसमान कैसा धूल सा लग रहा है, चारों तरफ धूल ही धूल है, देखो धूल ही धूल है चारों तरफ, अजीब सी धुंध जैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। It's so beautiful, you and me. Hi guys, तो बहुत देर हो गई है वॉक करते करते, और देखो आसमान कैसा पीला पीला सा दिखने लग गया, और वो धुंध वैसी की वैसी है। मम्मी पापा कहाँ गए? पापा आ रहे, आ रहे वो भी आ रहे। तो बस आप सब बताना आप सब कैसे हो, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस यही चल रहा है आजकल, सर भयंकर। और पता है सुबह सुबह मैंने कल बोला था मम्मी को कि मैं भी चलूँगी साथ में, वो लोग वॉक करने जाते हैं बहुत दूर तक जाते हैं, तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी, तो सुबह मैं भी रेडी हो गई थी जोश जोश में, और मतलब जोश में क्या मतलब, मुझे वॉक करने जाना था, पर हम वॉक करने गए और काफ़ी दूर तक गए, अच्छी खासी वॉक हुई आज, कम से कम 6 किलोमीटर मम्मी कह रही है मिनिमम हम लोग 6 किलोमीटर चल गए होंगे। तो ना भयंकर पैरों में दर्द हो गया उसके बाद शुरू ना, तो उसके बाद ऊँचा लगाने में तो ऐसा हो रहा था ना बिल्कुल, मतलब क्या बताऊँ, मतलब झुकने में ना ऐसे हो रहा है, थोड़ा बैठने के लिए तो इतना रफ्फत आ रही है ना। और आज पता नहीं क्या होगा, कल मतलब कल मॉर्निंग में पता नहीं क्या होगा, कैसे करके मैं जाऊँगी। पर जाना है यार, जाना है वॉक करने, जाना है, कंटिन्यूस आदत होनी चाहिए ना।
ना चलने की, तो वही था। और आज बहुत पैर दर्द हो रहे, हाथ पैर इतना भयंकर दर्द हो रहे ना, हो गया अब 2-3 दिन में शायद नॉर्मल होने लगेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा जॉगिंग टाइप का करेंगे, अभी हम सिंपल वॉक कर रहे थे, तेज चल रहे थे बस। तो जैसे जैसे ज़्यादा दिन हो जाएंगे थोड़ा बहुत जॉगिंग करने की कोशिश करूँगी मैं। तो बस यही सब चल रहा है और बाकी सब बढ़िया है, मस्त चकाचक है। तो अब जाऊंगी नीचे और अब सब्जी बनाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अब फिर जल्दी से बना के भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि खाना फिर 8:30-9 बजे ही है, तो फ़ायदा क्या फिर। इसलिए मैं अभी थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं हम लोग ऊपर, और फिर खाना खा के फिर थोड़ी देर फिर आते हैं रात को वॉक करने, क्योंकि इधर इतना स्पेस है नहीं। जैसे आपने वहाँ देखा होगा वहाँ पर बहुत स्पेस था, तो हम लोग इधर उधर वॉक कर लेते थे घर से बाहर कहीं पर भी, तो स्पेस ही स्पेस था। इधर है नहीं तो इधर सिर्फ छत में ही आ सकते हैं, तो बस खा पी के सब लोग छत में आते हैं, वॉक करते हैं काफ़ी देर तक, तो बस यही चलता रहता है। तो बस फ्रेंड्स इतना सा ब्लॉग, तो खाना पीना हो गया है, तो थोड़ा सा वॉक करेंगे बस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।